मीडिया का बहुत ही प्रभावी रोल है समाज में। मीडिया ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारतीय लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, चार स्तंभ में मीडिया एक स्तंभ है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि मीडिया अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो तीनों स्तंभ भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। विश्व में शायद वो पहले संवाददाता थे, इसमें शायद नहीं है, लेकिन वो संवाददाता थे जो दोनों पक्षों में, देव पक्ष में भी जा सकते थे उतने ही आदर के साथ और दानवों के पक्ष में भी जा सकते थे उतने आदर, उनकी बातों का। और मीडिया जितनी सशक्त रहेगी समाज उतना ही सशक्त होगा, सच्चाई उतनी सामने जाएगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, इसमें कोई दो। हम क्रिश्चियन गांधी मीडिया सेंटर के माध्यम से अपने बच्चों, अपने अभिभावकों और विद्या भारती परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं उनके बीच एक सकारात्मक संदेश के हैं, तो दो देशों की लड़ती हुई सेनाएं भी हमारे लोगों को मार्ग निकलने का देती हैं, क्योंकि हम प्रमाणिक हैं और हमारे संवाद सही है। ये आप देखेंगे विश्व में शायद वो पहले संवाददाता थे, इसमें शायद नहीं है, लेकिन वो संवाददाता थे जो दोनों पक्षों में, देव पक्ष में भी जा सकते थे उतने ही आदर के साथ और दानवों के पक्ष में भी जा सकते थे उतने आदर, उनकी बातों का महत्व, दोनों को उनकी प्रामाणिकता समझ में आती थी, इसलिए पूरी मानवता के कल्याण में वो संवाद लेके जाते थे और दोनों पक्ष उसी आदर से उनका बात सुनते थे। अगर हमारे संवाददाता उतने अच्छे हो जाएंगे तो फिर पक्ष और विपक्ष दोनों से आदर प्राप्त करेंगे। ऐसे देवर्षि नारद के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम करने के पीछे का भाव है, हमारे संवाद के और संवाददाता के स्तर को कितना अच्छा होना चाहिए, ये हमारे रोल मॉडल है। इसी मीडिया के प्रभाव को हमने कहा कि अगर हम प्रमाणिक हैं तो दो देशों की लड़ती हुई सेनाएं भी हमारे लोगों को मार्ग निकलने का देती हैं, क्योंकि हम प्रमाणिक हैं और हमारे संवाद सही है। तो ऐसा हो सकता है, आज भी संभव है, भारत ने करके दिखाया है, तो ये आगे भी संभव है और इसमें आप सभी यशस्वी बने, इसकी लिए शुभकामना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस भारतीय लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, चार स्तंभ में मीडिया एक स्तंभ है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि मीडिया अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो तीनों स्तंभ भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। मीडिया का काम है इन तीनों पर निगरानी रखना, उनको मार्गदर्शन करना। और मीडिया एक ऐसा विषय है कि जिस विषय में पिछले कुछ वर्षों तक मीडिया का कोई आइडल नहीं था, कोई आदर्श पुरुष नहीं था, और हम सारे लोगों ने मिलकर के पिछले कुछ साल पहले देवर्षि नारद जो हमारे आद्य पत्रकार हैं उनको एक आदर्श के रूप में, मीडिया के रूप में स्थापित करके, मीडिया के आदर्श के रूप में ये शुरुआत हम लोगों ने देवर्षि नारद जयंती का किया है। और इसके माध्यम से हम एक सकारात्मक संवाद स्थापित करना ये एक प्रयास है। और रही बात विद्या भारती के द्वारा ये कार्यक्रम करना, तो देश का भविष्य हमारे विद्यालयों में पड़ता है, तो देश का भविष्य जब हमारे विद्यालयों में पड़ता है तो उसको सही संवाद करने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो हम क्रिश्चियन गांधी मीडिया सेंटर के माध्यम से अपने बच्चों, अपने अभिभावकों और विद्या भारती परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं उनके बीच एक सकारात्मक संदेश कैसे दिया जाए, मीडिया का सही उपयोग कैसा हो, इस विषय पर हम क्रिश्चियन गांधी मीडिया सेंटर के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। और ये संगोष्ठी भी उसी क्रम का एक कड़ी है कि पत्रकार और प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाना और एक व्यवस्था की शुरुआत करना। आप सबों के सहयोग से ये संगोष्ठी संपन्न हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद।
मीडिया का बहुत ही प्रभावी रोल है समाज में। मीडिया ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मीडिया जितनी सशक्त रहेगी समाज उतना ही सशक्त होगा, सच्चाई उतनी सामने जाएगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मीडिया का योगदान नहीं है और महत्व नहीं है, बहुत ही महत्व है। लेकिन मैं मीडिया के बंधुओं से या मीडिया कर्मी से या मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मीडिया के लोग दो चीज़ का जरूर ध्यान रखें, वो न्यूज़ को प्रसारित करें, दूसरी चीज़ की पॉजिटिव खबरों को वरीयता दें, और अपनी व्यूज़ को ये कोशिश करें कि मेरी व्यूज़ उसमें न जाए, मेरी न्यूज़ जाए, मेरी बातें जाए, खबर तक पहुँचा देना है। जैसे कि नारद मुनि करते थे, वो न्यूज़ दे देते थे, उसका नारायण नारायण करते हुए निकल जाते थे। उनका नारायण का अर्थ था कि अब आप उसका अर्थ लगाइए, भावार्थ लगाइए, शब्दार्थ लगाइए, जो लगाना है अर्थ लगाने वाला सामने वाला छोड़ दीजिए। इसलिए मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, और मीडिया के लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो इस पर ध्यान दें, और मैं मीडिया लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ आज नारद जयंती पर कि उनके कभी या कहिए या गुरु कहिए, सर्वप्रथम पत्रकार कहिए, उनकी आज जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर और क्रिश्चियन मीडिया सेंटर पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन हुई, आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।